गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर वेल, कीपिंग सेफ योर सेल्फ एट योर होम. सो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी रीड द फर्स्ट पेज ऑफ चैप्टर 1 द स्टोरी टेलर. मैंने एक्सप्लेन किया था आपको इस स्टोरी का फर्स्ट पेज क्या था. उसमें तीन बच्चे हैं जिनमें से दो लड़कियां हैं और एक लड़का है. उनके साथ कौन है? उनकी आंट है. वहीं पे सामने कौन बैठे हुए हैं? एक बैचलर यानी कि एक अकेला आदमी बैठा हुआ है. और वो ये सभी किस में बैठे हुए हैं? रेलवे कैरेज में बैठे हुए हैं. अब क्या होता है, वो बच्चे जो रहते हैं उसमें से एक छोटा बॉय है, उसका नेम क्या है? साइरल उसका नेम है. और वो काफ़ी मस्ती कर रहा है, इधर से उधर दौड़ रहा है, तो इसलिए आंट उस पर गुस्सा कर रही है. और उस पर गुस्सा करती हुए उसको बुलाती हैं कि आओ ज़रा विंडो से बाहर देखो. अब जब वो विंडो से बाहर देखता है तो क्या हो रहा होता है वहाँ पे, कि लोग है ना शीप को एक फील्ड से दूसरे फील्ड में ले जा रहे होते हैं. तो वहीं इसलिए वो आंसर करता है उसके आंट से कि इनको एक फील्ड से दूसरे फील्ड में क्यों ले जाया जा रहा है. तो आंट आंसर करती है कि शायद वहाँ पे दूसरी फील्ड में घास ज़्यादा अच्छी हो, इसलिए उनको एक फील्ड से दूसरी फील्ड में ले जाया जा रहा है. लेकिन बच्चा बोलता है कि जिस फील्ड में ऑलरेडी शीप हैं वहाँ पे भी अच्छी घास है. अब देखते हैं आगे क्या होता है. Perhaps the grass in the other field is better, suggested the aunt. Perhaps मतलब होता है शायद. तो aunt क्या बोल रही है कि शायद दूसरे field में, दूसरे खेत में घास ज़्यादा अच्छी होगी. Why is it better? Came the swift inevitable question. स्विफ्ट मतलब होता है फास्ट. क्या होता है स्विफ्ट? मतलब फास्ट. और इनएविटेबल का मीनिंग होता है मैंडेटरी. मैंडेटरी मतलब लगातार, कंटिन्यू. ठीक है, तो वाई इज़ इट बेटर, ये बेहतर क्यों है? केम द स्विफ्ट इनएविटेबल क्वेश्चन, बहुत ही फास्ट और मैंडेटरी क्वेश्चन आया, मतलब बहुत ही तेज़ी से और लगातार सवाल आया. Why is the grass in the other field better? Persisted Cyril. Persisted meaning होता है जो वहाँ पे मौजूद है, मतलब जो ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे persisted. तो why is the grass in the other field better? Persisted Cyril. तो जो वहाँ पे Cyril छोटा बच्चा जिसका नाम था वो वहाँ पे मौजूद था, उसने पूछा कि दूसरे फील्ड में ग्रास बेटर क्यों है, दूसरे जो खेत है उसमें घास अच्छी क्यों है. कम ओवर हियर एंड लिसन टू अ स्टोरी, सेड द आंट. इधर आओ सब और एक स्टोरी सुनो, कहानी सुनो, आंट ने बोला बच्चों से. द चिल्ड्रन मूव्ड लिस्टलेसली टूवर्ड्स द आंट्स एंड ऑफ द कैरेज. लिस्टलेसली का मीनिंग होता है वैसे इतना थका हुआ कि काम करने की उसकी डिज़ायर ना हो, इच्छा ना हो, वो लिस्टलेसली का मतलब होता है. तो द चिल्ड्रन मूव लिस्टलेसली मतलब बच्चे बिना उनकी इच्छा से आंट के कैरेज के एंड की साइड मूव करने लगते हैं या चले जाते हैं. जब आंट ने उनको स्टोरी सुनने के लिए बुलाया तो बच्चों की बिल्कुल भी मन नहीं था स्टोरी सुनने का, इसलिए वो उनकी बिना इच्छा से आंट जिस साइड बैठे हुए थे कैरेज के उसके एंड के साइड चले जाते हैं. इन अ लो कॉन्फिडेंशियल वॉइस इंटरप्टेड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स बाय लाउड क्वेश्चनिंग्स फ्रॉम हर लिसनर, शी बिगेन एन अनइंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हु वॉज गुड and made friends with everyone on account of her goodness and was finally saved from a mad bull by a number of rescuers who admired her moral character. आपने क्या किया, धीमी और गुप्त आवाज़ में लगातार अंतराल लेते हुए, इंटरवल्स लेते हुए अपने लिसनर्स मतलब जो उसको सुनने वाले थे, लिसनर्स से लाउड वॉइस में क्वेश्चन करते हुए स्टोरी को स्टार्ट किया. इंटरप्टेड मतलब होता है बाधित, फ्रीक्वेंट मतलब होता है कंटिन्यूस लगातार, लिसनर्स मतलब जो उसको सुनने वाले थे, श्रोता जैसे हम बोलते हैं. She began an uninteresting story about a little girl who was good. उसने एक uninteresting story जिसमें मतलब किसी को interest नहीं था, bored जिसे कह सकते हैं हम, वो start किया एक छोटी लड़की के बारे में जो कि बहुत अच्छी थी.
and made friends with everyone on account of her goodness. और जो कि काफ़ी अच्छे दोस्त बना लेती थी उसकी अच्छाई के कारण, क्योंकि वो अच्छी थी, उसका बिहेवियर अच्छा था, इसलिए वो काफ़ी फ्रेंड्स बना लेती थी. And was finally saved from a mad bull by a number of rescuers who admire her moral character. जो वहाँ पे रेस्क्यूअर्स थे, जो जान बचाने वाले लोग थे, उन्होंने उस लड़की को एक दिन बचाया एक पागल सांड से, मैड बुल से. क्योंकि क्यों बचाया? क्योंकि वो भी उसके कैरेक्टर को, जो उसका कैरेक्टर था, उसका नेचर था, उसको काफ़ी पसंद करते थे. इसलिए उन लोगों ने उसको क्या, छोटी जो लड़की थी उसको मैड बुल से बचाया, ऐसा आंट ने उनकी स्टोरी में हमें बताया है. Wouldn't they have saved her if she hadn't been good? Demanded the bigger of the two small girls. It was exactly the question that the bachelor had wanted to ask. अब जो दो लड़कियां थी, उनमें से जो बड़ी वाली थी, उसने पूछा आंट से कि क्या अगर वो अच्छी नहीं होती लड़की, उसका नेचर अच्छा नहीं होता, तो वो लोग उसको नहीं बचाते? और यही क्वेश्चन कौन पूछना चाहता था? बैचलर भी पूछना चाहता था, जो कि सामने बैठ के उनकी स्टोरी सुन रहा था. वेल येस, एडमिटेड द आंट लेमली. आंट ने बहुत ही ज़ोर से इसको एडमिट किया, माना कि हाँ. But I don't think they would have run quite so fast to her help if they had not liked her so much. आंट ने बोला कि मुझे नहीं लगता कि वो इतना तेज उसको बचाने के लिए दौड़ते अगर वो उसको पसंद नहीं करते तो. It's the most stupid story I have ever heard, said the bigger of the two small girls. जो दोनों लड़कियों में से बड़ी लड़की थी, उसने बोला कि ये तो बहुत ही stupid story है, जो मैंने आज तक स्टोरी सुनी उनमें से ये कैसी स्टोरी, बहुत ही stupid है, उसे पसंद नहीं आई. I didn't listen after the first bit, said Cyril. Cyril ने बोला कि मैंने तो first bit, जो first stanza आपने बोला, उसके बाद तो story सुनी ही नहीं. You don't seem to be a success as a storyteller, said the bachelor suddenly from his corner. जो बैचलर सामने बैठे हुए थे, उन्होंने बोला आंट से कि मुझे नहीं लगता कि आप एक सक्सेसफुल स्टोरी टेलर है, अच्छे स्टोरी टेलर है. इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू टेल स्टोरीज दैट चिल्ड्रन कैन बोथ अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट, शी सेड स्टिफली. मुश्किल होता है बच्चों को स्टोरी सुनाना, ऐसी स्टोरी जो बच्चे समझ भी पाए और उनको पसंद भी आए. किसने बोला ये? आंट ने बोला स्टिफली. स्टिफली मीनिंग क्या होता है? बहुत ही सख्ती से, बहुत ही जोर देके उन्होंने इस बात को बोला. आई डोंट एग्री विथ यू, सेड द बैचलर. बैचलर ने बोला कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ. परहैप्स यू वुड लाइक टू टेल देम अ स्टोरी, वॉज द आंट्स रिटॉर्ट. रिटॉर्ट मीनिंग होता है करारा जवाब. आंट ने बहुत ही गुस्से से रहते हुए से बोला कि मुझे लगता है कि शायद आप इनको स्टोरी सुनाना चाहते हैं. टेल अस अ स्टोरी, डिमांडेड द बिगर ऑफ द स्मॉल गर्ल्स. जो दो लड़कियां थी, उनमें से जो बड़ी लड़की थी, उसने क्या बोला बैचलर से कि आप हमें स्टोरी सुनाइए. उसने डिमांड रखी स्टोरी सुनाने की. कि सो हियर आई एम स्टॉपिंग द एक्सप्लेनेशन ऑन पेज नंबर 10. रीड इट केयरफुली, मार्क द टफ वर्ड्स ऑन योर बुक. और मैं वन बाय वन पेज इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए. जल्दी जल्दी हम रीड करेंगे तो हमको समझ नहीं आएगा, इसलिए रीड इट केयरफुली, रीड अगेन एंड अगेन. प्रोनंसिएशन शुड बी वेरी क्लियर. ओके, थैंक यू.